it. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a classic. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. We're the notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. सो ही गाइस, दिस इज़ प्योर गाइस। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के गेम प्ले में, क्योंकि आज की गेम प्ले में भाई हमारी मैच मेकिंग हुई थी गाइस विकास गेमिंग के साथ। और लास्ट टाइम भी गाइस, लास्ट सीजन भी हमारी मैच मेकिंग हुई थी, बट उस मैच में गाइस हैकर आए थे और उस टाइम पे नूब लॉबी हैकर लॉबी वैसे आ रही थी, उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा था। बट इस वाले मैच में देखना एक प्योर कॉन्करर लॉबी आई थी, एंड में इतनी सारी भसड़ होने वाली है, बहुत सारे बंदे अलाइव रहने वाले हैं और भाई मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस कि विकास सामने आया था और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि भाई विकास मैच में, मैं बस ऐसे ही जा रहा था और एकदम से विकास सामने आ गया और तब देखा तो भाई मैंने बोला अभी मज़ा आएगा भाई, एकदम मस्त वाली फाइट लेंगे फिर तो मज़ा आएगा एंड सर्कल में। मुझे पता था कि विकास कैसे भी करके एंड सर्कल तक सर्वाइव कर ही लेगा, मस्त फाइट होंगी। यहाँ पे यसना गाइस मैंने छोड़ दिया है, यसना ड्रॉप लोकेशन मैंने चेंज कर दिया है, मैं प्रिमोस जा रहा हूँ या फिर कहीं और पे, जो भी मतलब प्लेन पाथ के हिसाब से मैं गाइस कभी कभार जॉर्जो सिटी भी जाता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे मेरा प्लान था कि भाई मस्त एकदम प्रिमोस के साइड जाएंगे, वहाँ पे छोटे मोटे स्क्वाडों से लूटेंगे, स्क्वाडों से लूटते लूटते अपन अपनी लूट कंप्लीट करके जोन में लेट एंटर करेंगे। और अगर बंदे जल्दी मर गए तो समझ लेना कि वहाँ पे हैकर है, तो हमें लेट एंटर करना है। और अगर बंदे ज़्यादा अलग रहेंगे तो जल्दी से जाके सेंटर पोजिशन पकड़ लेने का, फिर बाद में आगे जैसी फाइट होंगी वैसे हम फाइट करेंगे। और गाइस इसी बीच मैंने अपने भाई को बोला कि भाई तेरे को विकास के स्ट्रीम देखना है तो देख सकता है, वहाँ पे उसकी तरफ से जो कुछ चल रहा है तू वो भी देख सकता है, बट हाँ मेरे को पोजीशन नहीं बताने का, तू मेरे मोबाइल में मैं कहाँ पे वो देख सकता है, उसके स्ट्रीम पे तू उसकी लोकेशन देख सकता है, बट मेरे को उसकी लोकेशन नहीं बताने का। मेरे को स्ट्रीम स्नैप चीटिंग ये सब नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी गाइस विकास स्ट्रीम कर रहा है, ऊपर से आप लोगों के चार्ट्स पड़ता है ये सब, इतना मतलब एंड सर्कल के फाइट्स में भी वो आपके चार्ट्स पड़ता है, आपको रिप्लाई देता है गाइस, ऊपर से स्ट्रीम स्नैप करके मारना या फिर वो मेरे को भी मार सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही उसको मार दूंगा, वो भी बहुत ओपी खेलता है भाई, तो वो भी मेरे को मार सकता है, बट ये सब नहीं करना है अपने को, ईमानदारी से फाइट करना है, ऑनेस्टली फाइट करना है। ये सोच के मैं अपना अपना खेल रहा था गेम, विकास अपना अपना खेल रहा था, और भाई देखना एंड सर्कल में क्या क्या होता है, बहुत तगड़ी फाइट्स होने वाली है। यहाँ पे गाइस मैं जा रहा था आगे की साइड, बट मेरे को कोई व्हीकल नहीं मिली और आगे की साइड एक बंदा जा रहा था, सो मैंने सोचा भाई पीछे अपन लूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वाडों से मैंने लूटना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक बॉट भी मिल जाता है मुझे आगे, तो इसको निपटाने के बाद गाइस अभी मैं आपको सीधा एंड सर्कल में लेके जाऊंगा। बाकी गाइस मेरे एग्जाम्स का टेंशन, मतलब जब एग्जाम्स खत्म होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे गए एग्जाम्स। एमसीक्यूज है गाइस, एमसीक्यूज का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, थ्योरी रहता तो वो भी मैं उतना टेंशन नहीं लेता, यहाँ पे तो भाई एमसीक्यूज है, एक आध घंटा मैं खेल सकता हूँ दिन का। कल सिर्फ दो ही गेम्स खेले मैंने और दो गेम्स के अंदर गाइस मैं पहुँच चुका था 69 रैंक पे, और आज हम करेंगे गाइस टॉप 50। और तुम लोगों के गाइस 2500 लाइक्स कल के वीडियो पे आ चुके थे, आज के वीडियो पे भी गाइस लाइक गोल कंप्लीट करा देना 2600 का, भाई कल तो कंफर्म गाइस कंफर्म टॉप 50 में दिखूंगा ही मैं। तो गाइस ये शायद से अपने सब्सक्राइबर ही थे, कल इनका शायद से कमेंट आया था कि भाई मैं तुम्हारी मैच में था, मेरी गाड़ी वहाँ पे कहीं पे अटकी हुई थी, तो इनको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस आप अगर ठीक से स्प्रे नोटिस करोगे तो गाइस ऊपर की तरफ से एकेएम कोई तो भी चलाएगा, और किल फिट देखो गाइस विकास का नाम आया था ऊपर की तरफ जो छोटा शैक है गाइस, वहाँ पे विकास बैठा हुआ था। और यहाँ पे मेरे को अभी भी पता नहीं था गाइस कि विकास ऊपर की साइड है, क्योंकि मैंने किल फिट देखा ही नहीं था, मैं बस अपना यहीं पे अपना अपना खेल रहा था। तो गाइस यहाँ पे सर्कल अपने ऊपर नहीं था, बट विकास की जो पोजीशन थी भाई एकदम मस्त थी, उसके ऊपर सर्कल भी था और अपने को अभी जोन में जाना था। बट इसी बीच देखना गाइस कि यहाँ पे मुझे एक बगी का साउंड सुनाई देता है, तो
तो गाइज ये बंदा कुछ कर नहीं सकता था, इसको भी इजीली निपटा दिया। बीच में आप देख सकते हो विकास ने भी अभी अभी M4 से किसी को पेला था, और अभी मेरे को निकलना था गाइज जोन के अंदर। अभी जोन के अंदर मेरे को पोजीशन चाहिए थी अच्छी, और यहाँ पे गाइज विकास का फायर भी एक बार आएगा मेरे ऊपर, M4 से मेरे ऊपर वो भी फायर करेगा। यहाँ पे अगर मेरे को पोजीशन उसकी पता होती ना गाइज, मैं सीधा उसके ऊपर रश कर देता, मारो या मरो वाली सिचुएशन कर देता मैं यहाँ पे, बट मेरे को पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे जो स्प्रे आएगा वो विकास ने ही दिया था मेरे ऊपर। तो गाइज यहाँ पे वो बस बंदों को भगा रहा था, अगर वो थोड़ा ट्रायड करता तो मेरे को यहाँ पे कार से, इस व्हीकल से निपटा सकता था, बट उसको लगा कि भाई कोई और ही होगा इसलिए उसने ज़्यादा ट्रायड नहीं किया। अभी दिक्कत वाली बात ये थी गाइज कि मेरे को भी जोन के अंदर जाना था और यहाँ पे देखना कि होता क्या है। और गाइज किल फीड देखा होगा आप लोगों ने, विकास को गाइज कोई और ही बंदा मार देता है, और विकास 18 रैंक पे यहाँ पे मारा जाता है, और उसको मारने वाला बंदा गाइज ESP यूज़र हैकर था वो बंदा। और मैं कैसे कह सकता हूँ, तुम आगे जाके उसके साथ मेरी जब फाइट होगी तब देखना, आपको भी पता चलेगा, और बाद में गाइज उसकी स्ट्रीम भी देखना विकास की, वहाँ पे तो आपको क्लियरली पता ही चल जाएगा कि वो बंदा हैकर था बोल के। तो गाइज यहाँ पे मैं एक बंदे के ऊपर यहाँ पे रश कर देता हूँ, मैंने बोला कि भाई ऐसे तो पोजीशन मिलने वाली है नहीं मेरे को, किसी बंदे के ऊपर मेरे को रश ही करना पड़ेगा। तो इस बंदे के ऊपर रश कर दिया, इसको ईजिली निपटा दिया, और यहाँ पे कवर लगा के गाड़ी का मैं बस यहाँ पे बैठा रहता हूँ। और यहाँ पे गाइज उस बंदे का नाम देखना, कंटिन्यूसली उसी बंदे का नाम आएगा किलफीड में, वुल्फ चिया कुछ तो भी नाम है, इसी बंदे का नाम कंटिन्यूसली किलफीड में आएगा, क्योंकि भाई उसके पास ESP उसको बंदे दिखाई दे रहे और उसको खेलना आता है, तो भाई वो इजीली मार देगा। भाई दिक्कत वाली चीज़ यही होती है गाइस हमारे लिए कि भाई बंदे स्पॉट नहीं होते। तो जहाँ से फायर आ रहा है मैं बस उस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, वहाँ पे बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदा मुझे सामने की तरफ दिखा था, अभी स्मोक जैसे ही हटेगा मुझे वैसे ही एक बंदा दिखेगा, मैं वहाँ पे फायर करता हूँ, बट उस बंदे को भी पहले ही किसी बंदे ने मार दिया। तो यहाँ पे स्प्रे करने में मैं देरी कर देता हूँ, आगे वाला बंदा यहाँ पे फिनिश हो चुका था, उसको भी उसी बंदे ने मारा था। अभी देखना गाइस यहाँ पे जोन आने वाला है 10 सेकंड के अंदर, और मुझे निकलना है जोन के अंदर। और बंदे देखो गाइस अभी भी 9 बंदे अलाइव है, सर्कल काफ़ी छोटा है भाई, जगह ही नहीं है, पूरा ओपन सर्कल बना हुआ है, और मैं आगे जाके कहाँ पे पोजीशन होल्ड करता हूँ ज़रूर देखना। और गाइज ये वाला किल अगर पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक करना अभी के अभी। और गाइज अभी भी आप देख सकते हो कि भाई वो विल्फ चिया जो बंदा है भाई कंटिन्यूसली बंदे मारे ही जा रहा है, अभी बस 3 ही हम बंदे बचे थे, उसने पूरी लॉबी क्लियर कर दी गाइज यहाँ पे, और अभी वो मेरे सामने आएगा गाइज, डायरेक्टली मेरे सामने आता है देखो आप। तो गाइज यहाँ पे ये बंदा डायरेक्टली आता है, फायर लेता है मेरे ऊपर, अभी ग्रेनेड भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ ग्रेनेड। तो यहाँ पे मैं समझ चुका था कि भाई ये बंदा जो है भाई इसके पास ESP है, ये इसको मेरी पोजीशन पता है, डायरेक्टली आया है यहाँ पे, तो भाई इसको मेरी पोजीशन पता है। तो गाइस यहाँ पे उस हैकर को भाई कोई और ही बंदा DP से फिनिश कर देता है, और मैंने बोला भाई ये तो अच्छा हुआ, अभी एक रियल लेजेंड बंदा होगा तो भाई उसके साथ फाइट करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बंदे के साथ देखना गाइस कि हमारी फाइट कैसी होती है। यहाँ पे गाइस मुझे बस एक डायरेक्शन पता थी कि वो किस डायरेक्शन में, वो कहाँ पे, वो मुझे पता नहीं था। मैंने लेफ्ट साइड में स्मोक्स इसलिए किए क्योंकि भाई मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, मैं उसे ये दिखाना चाहता था कि भाई मैं लेफ्ट साइड में हूँ और मैं करूँगा अटैक राइट साइड से, जहाँ से उसे लगेगा कि भाई ये तो ओपन है, ओपन जगह से तो कोई आएगा नहीं, बट मैं उसी डायरेक्शन से आऊँगा और उसके ऊपर फायर लूँगा, ये मेरा प्लान था, बाकी देखना आगे क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं गेस कर रहा था कि भाई बंदा मे बी सामने वाले पेड़ के पास हो सकता है, बट वो बंदा गाइज राइट साइड में था। जैसे ही मैं राइट साइड में पत्थर के पास देखता हूँ मुझे उसका छोटा सा हेड दिखाई देता है, और यहाँ पे देखना गाइज की होता क्या है। तो गाइज यहाँ पे बंदा क्या करता है कि वो मेरे को देखता है कि मैं जोन के बाहर हूँ, अभी जोन के बाहर है तो भाई बंदे किल के भूखे रहते, किल लेने की कोशिश करते, तो मुझे यहाँ पे इतना पता चल चुका था कि भाई पत्थर के पीछे बंदा है, वो पिक करेगा तो करेगा उसके लेफ्ट साइड से, मतलब कि मेरे राइट साइड से और उसके लेफ्ट साइड से, तो मैंने उस जगह पर बस प्रीफायर दिया और खुद होके उसने अपना सर वहाँ पर दे दिया, और भाई एक ईजी किल, मतलब कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी बट स्टिल अपन ने चिकन निकाला, और 26 प्लस हुए थे
और इस मैच के बाद गाइज मैं 83 रैंक पे पहुंच गया था। शाम के टाइम पे एक और मैच खेला और मैं 69 रैंक पे पहुंच गया था। अपने एक सब्सक्राइबर की इच्छा थी कि भाई तुम 69 रैंक करके दिखाओ, तो इसीलिए गाइज हमने रैंक करके दिखाया उतना। तो गाइज आज का गेम प्ले अगर पसंद आया तो गाइज वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी गाइज विकास का स्ट्रीम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप चेकआउट करो। आपको वहाँ पे मैंने टाइमिंग भी दिया है कि कब हमारी फाइट स्टार्ट होती है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जरूर से क्लिक करना और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना कि उसकी तरफ से सिचुएशन क्या थी, उसको हैकर ने कैसे मारा। अगर उसको हैकर नहीं मारता गाइस जरूर से हमारी फाइट होती, बट रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, वो भी मेरे को मार सकता था, बट भाई कुछ हुआ नहीं यार, नहीं तो भाई मज़ा आ जाता। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फाइट होगी अपनी फिर से और तब हम ट्राई करेंगे एक अच्छी फाइट देने की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nothing can stop me, I'm all the way up.